मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर वन, कर सकते क्या आप? थर्डली, फोर्थली, सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, इट प्रोटेक्ट्स मैरिजेस एंड इनहेरिटेंस बिटवीन हिंदूज, बट द सेम इज नॉट एक्सटेंडेड टू मुस्लिम्स, व्हाई? हाँ, आप यहां पर हिंदू भाइयों को कल्चर बोलेंगे, यहां पर इस्लामिक प्रैक्टिसेस की यूनिफॉर्मिटी ना पे निकालना चाहेंगे आप? बीजेपी और प्रधानमंत्री ये बात को भी भूल गए, सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में आदिवासियों को एग्जम्पशन देता, कर सकते क्या प्रधानमंत्री उसको? मोदी साहब करेंगे अभी? आदिवासी सरना कोर्ट क्यों पूछ रहे भाई? आर्टिकल 371 है भारत के संविधान में, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, नागालैंड मिजोरम निकाल सकते, एक मणिपुर को नहीं जा सक रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पे 300 चर्चेस को जला दिए गए, और आप 371 निकालेंगे क्या? बताओ हमारे को, आप बोलिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इन बातों पे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं, और फिर आप गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में मुसलमान अपना घर नहीं बेच सकता, हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, आप गुजरात में मुख्यमंत्री थे, अभी भी आपकी सरकार है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में वहां पर एग्रीकल्चर लैंड नॉन हिमाचली नहीं ले सकता, चलो प्रधानमंत्री आप ले लो अपनी वहां एग्रीकल्चर लैंड लेके दिखाओ आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे, जाके ये बात प्रधानमंत्री पंजाब में बोलो, चलो पंजाब में बोलिए प्रधानमंत्री, आप जाकर बोलिए पंजाब में, सिखों से बोलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, पंजाब के लोगों को बोलिए, देखिए क्या रिएक्शन होता। और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर फिर से कह रहा हूं, हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं, उसको लाना चाह रहे हैं, उनका मकसद वही है, और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। आप यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी को मानते नहीं, जब मानते आप वहां पर हिंदू एक्सेप्शन दे देंगे आप, और पूरे मुसलमानों के रिलीजियस प्रैक्टिस को आउटलॉ करना चाहते। और एक बात, प्रधानमंत्री ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बात का जिक्र किया है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अगर यूसीसी लेके आएंगे आप, तो उसमें होगा क्या, बताता हूं आपको, उसमें होगा क्या कि कुरान की कई आयतें हैं जिसको आप ओवररूल करेंगे, जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, एक नहीं कुरान की कई आयत हैं, कैसा करेंगे उसको आप बताइए आप। तो ये चीजें हैं, तो यूसीसी को इस्तेमाल कर रहे, मगर संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये लिखा गया है कि भारत की दौलत सब में बांटी जाए। भाई भारत की जो दौलत है 50% दौलत तो सिर्फ 8-10 लोगों के पास है, प्रधानमंत्री उस पर क्यों नहीं बात कर रहे? भाई वो तो चाय बेचकर आए ना ऊपर, वो कैसे प्रिसाइड कर रहे इन चीजों को? पूरी दौलत भारत की 50% दौलत 10 परिवार के पास है, तो किसके प्रधानमंत्री हैं वो? भारत के संविधान में ये लिखा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ही कि शराब को बंद किया जाए, प्रधानमंत्री बंद क्यों नहीं कर रहा था शराब को? क्या शराब की वजह से महिलाओं पे जुल्म नहीं होता? क्या शराब पीकर मर्द लोग महिलाओं को मारते नहीं, पीटते नहीं, जलाते नहीं? शराब पीकर लोग टक्कर मारकर जाने ले लेते हैं, शराब पे पाबंदी लगाइए। और यूसीसी की आप बात करते, भाई कौन सा स्कूल ऑफ थॉट होगा? मिताक्षरा होगा, दयाभागा होगा, बोलो प्रधानमंत्री आप बताइए कौन सा होगा? दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट होगा, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा, कैसा होगा बताइए?
तो मकसद एक ही है कि भारत के प्लुरलिज्म और डायवर्सिटी को, भारत के प्रधानमंत्री को एलर्जी है प्लुरलिज्म और डायवर्सिटी से, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, और एक चीज, बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था कि यूसीसी को मैंडेटरी नहीं देखे बाबा साहब अम्बेडकर, वो बोले कि वॉलंटरी होना चाहिए, और वो क्या बोले कि नॉन रिलीजियस सेक्युलर लॉ रहना चाहिए जिसको एक्सेसिबल सबको। नॉन रिलीजियस सेक्युलर लॉ है हमारे देश में, आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, सक्सेशन, इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑलरेडी है, और खुद आपका बनाया हुआ लॉ कमीशन 2018 में ये कह दिया कि यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। कौन थे उसके चीफ चेयरमैन? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीएस भूषण साहब थे। ये है, उन्होंने तीन तलाक पर भी बात कही है, उन्होंने कहा कि जो लोग एक बात सुनिए, प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों है इतनी? मेरे को तो नहीं है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान का हवाला दे रहे, आप मेरे को पाकिस्तान के प्रिज्म से कब तक कहेंगे नरेंद्र मोदी साहब? आपको अपना ये जो सॉफ्टवेयर है ना आप लोगों का थिंकिंग का, उसको चेंज करना पड़ेगा। भारत के मुसलमान को पाकिस्तान से क्या करना है? भारत के मुसलमान को इजिप्ट से क्या करना है? भारत के मुसलमान को दूसरे कंट्रीज से क्या करना है? आप क्या उनको बड़ा समझ रहे, हमको कम समझ रहे क्या? ये तो एंटी नेशनल बात कर रहे। आप तो ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिए, अब क्यों रो रहे आप? कानून आप बनाने के बाद क्यों रो रहे प्रधानमंत्री? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि कानून बनाने के बाद उस कानून के जरिए और डिजर्शन बढ़ गया। मैं तो पार्लियामेंट में तीन मरतबा खड़े होकर बोला कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इनजस्टिस बढ़ेगा उसमें, मगर आज प्रधानमंत्री रो रहे हैं ट्रिपल तलाक की तायीद कर। कौन तायीद कर? आप तो कानून बना